उत्तराखंड में अभी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा में भ्रष्टाचार को लेकर बवाल चरम पर है। इस बीच वन दरोगा भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़े सामने आ गए हैं, जिसे लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऑनलाइन माध्यम से करवाई गई वन दरोगा भर्ती जांच के लिए डीजीपी अशोक कुमार को निर्देश दिए थे, जिसके बाद डीजीपी ने यह मामला एसटीएफ को सौंप दिया है। इसमें भर्ती में धांधली की पुष्टि हो चुकी है, साथ ही एसटीएफ ने नकल माफियाओं के खिलाफ फर्जीवाड़े का मामला दर्ज कर लिया है। देहरादून से संवाददाता अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। ये समाचार पत्रों के माध्यम से हमें आज पता चला है, क्योंकि चयन की प्रक्रिया पूरी जो अधीनस्थ चयन सेवा आयोग है उसके द्वारा की गई है और एसटीएफ उसकी जांच के लिए आदेश हुए, तो जो एसटीएफ की जांच में पाया जाएगा तो फिर वन विभाग उसके जांच के आधार पर अग्रिम कार्रवाई करेगा।